issued in public interest by Psychiatric Association of India. Watching the show, Jai Hind, can cause severe damage to your logical mind and can cause failure in examinations and the loss of your job. Symptoms can include extreme frivolity, pointless laughter, and a disrespect for authority. Do not watch it if accompanied by your maths professor. Hello and welcome to Sex and the City. मैं हूँ सेक्स और यही सिटी. काफी लोग कह रहे हैं कि हमारे इस शो पर सेक्स की बातें कुछ ज्यादा हो रही हैं. इसीलिए आज मैंने शुरू में ही कर ली भैया. हाँ, बाकी के पूरे एपिसोड में हम सिर्फ खरीफ की नई फसल के रेट बताएंगे आपको. लेकिन उससे पहले, स्वाइन फ्लू के बाद देश में एक नया फ्लू आया है. यह है जिन्ना फ्लू. इस फ्लू के सिम्टम्स हैं अचानक से जिन्ना की तारीफ करने लगना, एक किताब लिख डालना और सबसे पंगा लेना. और इस फ्लू का रिजल्ट वही स्वाइन फ्लू जैसा ही है. बिल्कुल आपको अकेला कर दिया जाएगा, कोई आपसे मिलने नहीं आएगा और आप जस्ट केम एंड जस्ट वेंट हो जाएगा. और हाँ, ये फ्लू सिर्फ बीजेपी वालों को ही होता है, इसीलिए सबको मास्क लगाकर घूमने की जरूरत नहीं. तो हुआ यूं कि जसवंत सिंह जी ने, अरे अपने वही कंदार IC 814 वाले अंकल, हाँ, उन्होंने किताब लिखी, उसमें जिन्ना की तारीफ कर दी. सेक्युलर कहां, पहली बात तो बीजेपी की नजर में सेक्युलर होना ही बहुत बड़ी तारीफ है. खैर, बीजेपी वाले अंताक्षरी के मूड में थे. जैसे ही ज आया, जसवंत ने कहा ज से जिन्ना, पार्टी वालों ने कहा ज से जाओ. निकाल दिया यार अपने अंकल को. मतलब जिन्ना ने इंडिया का पार्टीशन कराया या नहीं ये पता नहीं, लेकिन बीजेपी का 100% करा दिया. तो बीजेपी से जे चला गया, मतलब बन गया बीपी. नहीं नहीं वाला नहीं, मतलब भारतीय पार्टी है, बेकाबू पार्टी, बेलगाम पार्टी, रोज कोई ना कोई तबेला तोड़कर भाग रहा है. एंड आई होप जसवंत सिंह जी को कोई पार्टी, मतलब कांग्रेस, समाजवादी या कोई और अपना ले, वरना क्या पता कल को उन्हें भी नच बलिए में नाचते हुए या जंगल में वाटरफॉल के नीचे नहाते हुए देखना पड़ेगा. राम राम राम, क्या सवाल आ गया. वैसे इसके बाद कुछ टॉप सीक्रेट भी हुआ है जिसका वीडियो हमारे पास है. हमारे पास सब कुछ होता है, देख रहे हैं? अभी देखते हैं राइट आफ्टर दिस ब्रेक. केदार भाई, समझ नहीं आया. वैसे फॉर्मर चीफ, मतलब आरएसएस चीफ सुदर्शन जी ने कहा है कि जिन्ना उतना बुरा भी नहीं था. सुदर्शन जी नेक्स्ट, सुदर्शन चक्र घूमेगा गले पे उनके. अब आप यही कहेंगे कि जनसंघ का असली नाम जिन्ना संघ है. जो भी हो, एक टाइम पे अडवाणी जी बीजेपी छोड़कर जाना चाहते थे, अब बीजेपी वाले उन्हें छोड़ के जा रहे. इसी बात पर एक टॉप सीक्रेट फोन कॉन्वर्सेशन सुनेंगे आप, सुनिए. हेलो, हाँ हेलो, जसवंत मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे हमदर्द. अब क्यों सेंटी दे रहे हो, हैं? जरा जोर की बोलो, ऊंचा बोलो. ऊंचा ऊंचा कैसे बोलूं, मुझे बांध रखा है यार, किसी ने सुन लिया तो गड़बड़ हो जाएगी. ए जस्सी यार, तुम बहुत लकी हो यार, सही टाइम पे निकल लिया गुरु.
लकी तो आई अर्न फॉर इट, मेहनत की है मैंने। अरे हमने भी 4 साल पहले यही आइडिया अपनाया था। अरे चिन्ना की तारीफ की थी, हमें लगा कि लोग हमें यहाँ से निकाल देंगे। ओ पिंड छूटे यार, पर हमें क्या मालूम था कि सॉरी कहने के बाद दोबारा हमें बिठा देंगे। साले सॉरी क्या बोला, किताब लिखनी थी, अगर पिंड छुड़ाना था तो। अरे यार गलती हो गई, अब माफ कर दो यार तुम तो। अरे कुछ तो करो जस्सी, जस्सी तुम जैसा कोई नहीं यार, तुम्हारे पे तो साला सीरियल भी बन गया अब। पर मैं क्या करूं यार, कुछ तो करो दोस्त। मेरे लिए कुछ लिख दो, कुछ तारीफ कर दो अपनी किताब में। लिख दो कि मैं जिन्ना का चमचा हूँ, करछी हूँ, भांडे हूँ, गिलास हूँ, कुछ तो लिख दो। सुषमा कहाँ हो? अच्छा मैं रखता हूँ, लगता कोई आ गया। सुषमा ये अच्छी बात नहीं है। अरे अटल जी आपको कितनी बार कहा है हम सुषमा नहीं है, हम अडवानी है। थैंक यू। और शाहरुख खान के साथ यूएस में क्या हुआ? शाहरुख के पीछे पड़ गए हम लोग। आफ्टर दिस ब्रेक। अरुण शौरी ने राजनाथ सिंह को एलिस इन ब्लंडरलैंड कहा है और राजनाथ सिंह ने कहा है अरुण शौरी ने राजनाथ सिंह को नर्सरी राइम वाला हम्प्टी डम्प्टी भी कहा। अरुण शौरी जी आपको बीजेपी पे गुस्सा है तो निकालो ना यार, राजनाथ सिंह को हम्प्टी डम्प्टी बोलकर नर्सरी के बच्चों का इमेजिनेशन क्यों खराब कर रहे हो? एंड कमिंग बैक टू आवर फेवरेट टॉपिक, शाहरुख खान। शाहरुख खान के साथ अमेरिका में क्या हुआ आपको पता है? एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने उन्हें पहचाना नहीं। जस्ट इमेजिन, शाहरुख खान को नहीं पहचाना। आई मीन जो आदमी 18 साल से एक ही लुक, एक ही स्टाइल, एक ही तरह से हकला के एक ही तरह की फिल्में कर रहा है, उसे नहीं पहचाना। शेम ऑन यू अमेरिका। वैसे अमेरिकन ने अपने बुश को पहचानने में 10 साल लगा दिए, शाहरुख को पहचानने में 2 घंटे तो लगाए उन्होंने। अच्छा वो लोग शाहरुख को छोड़ने वाले थे कि शाहरुख मियां ने कह दिया कि मैं हिलरी क्लिंटन को करीब से जानता हूं। सिक्योरिटी वालों ने कहा हिलरी क्लिंटन को कोई मर्द करीब से नहीं जानता, खुद बिल क्लिंटन करीब से नहीं जानता, यार तुम कैसे जानते हो? ताजा खबर, बीबीसी अब एक नया टैलेंट हंट करने वाला है जिसका नाम है नेक्स्ट माइकल जैक्सन। जी हाँ, इसमें नया माइकल जैक्सन ढूंढा जाएगा। नया माइकल जैक्सन मिलेगा? थोड़ा एम्बिशियस नहीं है? पॉक्सिप नहीं, हेलो हेलो, जब राखी सावंत को पति मिल सकता है तो फिर क्या मुश्किल है? But I was wrong. I mean, already the next Michael Jackson के लिए हमारे पास एक कैंडिडेट है। अरे अपने बप्पी दा, the next Michael Jackson, क्योंकि हमारा गान उसके गान से अच्छा है। आवा आवा मुझसे प्यार, थोड़ा एक्साइटमेंट में ना थोड़ा कंट्रोल यार, कंट्रोल। हाँ तो सलमान खान ने कहा है कि वो शादी सिर्फ इसलिए करेंगे क्योंकि उन्हें बच्चे पसंद है। हेलो, हम जानते हैं कतरीना भी आपके सामने बच्ची तो है। अभी बाकी है सविता भाभी के सेक्सी सॉल्यूशंस, जस्ट क्लिक ऑन द नेक्स्ट सेगमेंट। Giant.
9 वुमेन बॉक्सर्स को हाल ही में एक ऑफिशियल फंक्शन में स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री वालों को चाय सर्व करनी पड़ी और बाद में उनके बर्तन भी धोने पड़े। लेकिन बॉक्सर्स को इससे काफी फायदा हुआ है। अब वो हर बॉक्सिंग मैच में ओपोनेंट को स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री वाला समझकर क्या धोती है। और मजे की बात सुनिए, स्पोर्ट्स मिनिस्टर MS गिल ने कहा है, इसमें ज्यादा हल्ला मचाने की क्या बात है भाई, हाँ क्या हमारे घर में हमारी माँ बहन बर्तन नहीं धोती? एक मिनट, हेलो गिल साहब, एक्सक्यूज मी, आपके कहने का मतलब है कि माँ बहन को सिर्फ क्या बर्तन ही धोने चाहिए? आप कभी सोनिया माता जी के घर चाय पीने गए हैं वैसे? हाँ हाँ गए तो हैं, आपको याद है ना वहां क्या हुआ था? हमें याद है, देखिए देखिए, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, लेकिन अब दुनिया का गम और कम होने वाला है, क्योंकि आज से दुनिया की हर प्रॉब्लम का जवाब देने के लिए हमारे साथ होंगी सविता भाभी सीधे अपने बेडरूम से। और आज सविता भाभी बताएंगी ग्लोबल वार्मिंग का सॉल्यूशन। सविता सविता सॉल्यूशन बताओ, क्या बता रही हो, सॉल्यूशन बताओ। ओके वेल यस, ग्लोबल वार्मिंग, आई लाइक दैट नेम ग्लोबल वार्मिंग। यू नो ऐसा लगता है जैसे सारे दुनिया के लोग एक साथ एक ही टाइम पर यू नो दे आर वार्मिंग अप। सॉल्यूशन बताओ। यू आर वेरी नॉटी। अरे सॉल्यूशन ही तो बता रही हूँ, ग्लोबल वार्मिंग। यू नो ग्लोबल वार्मिंग कब होता है? ग्लोबल वार्मिंग तब होता है जब हम नेचर के बारे में भूल जाते हैं, बिल्कुल नहीं सोचते। यू नो लोग छोटे छोटे काम के लिए भी कार्स का इस्तेमाल करते हैं। वेरी बैड। सो माय एडवाइस इज डोंट डू इट इन द कार, आउटडोर्स जाओ, इनफैक्ट जंगल में, यू नो मोर फन, इट्स थ्रिलिंग। एंड इससे थोड़ा सा ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगा। Save it for the trees, and it's more thrilling also out in the open. Great idea. वैसे मैं भी अपनी तरफ से छोटे-छोटे efforts करता हूँ global warming को कम करने के लिए, जैसे फरदीन खान की कोई फिल्म ना देखना, बिग बी के ब्लॉग्स ना पढ़ना, हिमेश के गाने ना सुनना, बहुत एनर्जी बचती है। और हाँ, से नो टू प्लास्टिक, जैसे कि कोयना मित्रा, दिया मिर्जा, तनुश्री दत्ता। एंड यस, इफ यू वांट टू बी इवन मोर इको फ्रेंडली, टीवी देखना बंद कीजिए, वॉच अस एट jahind.buzzintown.com और सिंपली www.jahind.tv। यू कैन राइट योर कमेंट्स टू एंड वी विल सेंड देम टू अडवाणी जी, ही विल रिप्लाई फॉर श्योर। आजकल वैसे भी उनके पास कोई काम नहीं है। जय हिंद।